केंद्रीय गृह मंत्री आज यूपी दौरे पर। अमित शाह ने कहा योगी के नेतृत्व में यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़कर 22 लाख करोड़ पहुंची। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले पूरे प्रदेश में माफियाओं और गुंडों की 1584 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। जेपी नड्डा से हुई बाबुल सुप्रियो का मुलाकात, फैसले पर दरोगा सोचने के लिए कहा। राम गोविंद चौधरी ने दिया बड़ा बयान, अखिलेश यादव लड़ रहे दलितों की लड़ाई। जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपए जीएसटी मिला, जून में 52,839 करोड़ रेवेन्यू आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। अमित शाह ने लखनऊ में साइंस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौजूद रहे। भूमि पूजन कर अमित शाह ने शिलान्यास किया। वह इस कार्यक्रम के बाद वे मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोपवे सहित अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना, आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज मैं यहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़े। वहीं बीएसपी नेता सुखदेव राजभर के बेटे केएसपी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि अब दलितों और शोषितों की लड़ाई अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। वहीं गाजीपुर में अपर पुलिस महानिदेशक वारसी जोन ब्रजभूषण ने पुलिस लाइन में स्थित सभाकक्ष में एसपी सहित अन्य अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी को सम्मान देते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिससे कि लोगों का पुलिस के प्रति लगाव बढ़े। पिछले काफी समय से इन्होंने काफी अच्छी कार्रवाई करी है, तो संगठित अपराधी हैं, माफियाज हैं, उनके खिलाफ इन्होंने काफी कार्रवाई की है। अभियान अभी भी जारी है,
कोई भी अपराधी हो, ए टू जेड, कोई भी हो ए टू जेड, हमने जो मुख्य जोड़ दिया है मीटिंग में, जो हमारा थाना स्तर का जो कार्रवाई है, जो आम पब्लिक जो थाने में जाती है, चौकी में जाती है, उसकी सुनवाई उसी लेवल पर अच्छी हो जानी चाहिए। उसके प्रार्थना पत्र का तत्काल डिस्पोजल हो, कहीं कोई जमीन का विवाद है तो एक ज्वाइंट टीम बना करके राजस्व वहाँ मौके पर जाए उसको हल कर दे। जैसे आम वहीं औरैया के थाना एरवा कटरा क्षेत्र के बरौना कला चौकी इंचार्ज दिनेश शर्मा चौबे के रिटायर होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और इस मौके पर समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहे, जिसमें थाना अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा है कि लगभग एक साल का कार्यकाल बरौना चौकी इंचार्ज के पद पर रहे हैं और उन्होंने निष्पक्ष तरीके से काम किया है। औरैया से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर समस्त पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहे, जिसमें थाना अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा है कि लगभग एक साल का कार्यकाल बरौना चौकी इंचार्ज के पद पर रहे और उन्होंने निष्पक्ष तरीके से यहां काम किया है। वहीं रायबरेली जनपद से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। बच्चों के भविष्य के निर्माता कहे जाने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक दबंगई पर इस कदर उतरे कि एडमिशन को लेकर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र को सरिया और ईंटों से पीटकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि बच्चों के एडमिशन को लेकर दबंग प्रभारी प्रधानाध्यापक विवेक ने लोहे की सरिया से प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र राज बाबू के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। वहीं इसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की गई है। घटना तब हुई है कि यही एक नाम हमने लिख दिया था एक लड़की का, उन्हें 6 साल की थी और उसी पर उन्होंने जो है हमें वार करना शुरू कर दिया। मानना तो आपको बता दें कि रायबरेली जनपद से एक ऐसा चौंकाने वाला ये मामला सामने आ रहा है जिसको सुनकर अब हर कोई हैरान है। बच्चों के भविष्य के निर्माता कहे जाने वाली प्रभारी प्रधानाध्यापक दबंगई पर इस कदर उतरे हैं कि एडमिशन को लेकर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र को लोहे की रॉड और ईंटों से पीट पीट कर यहां पर घायल किया गया है। वहीं रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के रालपुर गांव में बारिश की वजह से काफी परेशानी हो रही है। बरसात का पानी बहकर निकलने का वहां पर कोई सुगम रास्ता नहीं है, लिहाजा बरसात का पूरा पानी पास बने 2-3 तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। बाढ़ के पानी का निकास ना होने से तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे कि तालाब का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से घरों में रखी हुई खाद सामग्रियां पूरी तरह से भीग चुकी है। वहीं खाद सामग्रियां बर्बाद होने की वजह से लोगों को भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, घर से निकलना भी लोगों का अब मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो प्रधान सहित अन्य लोगों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यही हालात रहा तो अभी तक महज एक घर गिरा है, अन्य घरों को गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें बड़े जनहानि की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं मैनपुरी के साई बाबा जन कल्याण समिति संस्थान और गूंज संस्था द्वारा दिव्यांग विधवा और गरीबों को 1 माह का राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए ये मदद की गई है। बता दें कि जागीर ब्लॉक में उन्होंने 35 किट और वेवर ब्लॉक में 25 किट वितरित की है। शाहजहांपुर के रोहिलखंड हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोग मरीजों से जमकर धनुगाही पर डटे हुए हैं, गरीबों से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले भर्ती हुए युवती का उपचार चल रहा था, जिसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वहीं जब परिजनों ने युवती को डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर द्वारा परिजनों से बदतमीजी की गई है। कल भर्ती किया था, सारी जांच वूच करवाई, अल्ट्रासाउंड कराया, खून जांच कराई, आज मैंने पूछा कुछ बताया नहीं, डॉक्टर साहब आए नहीं 10 बजे का, ना कुछ रिपोर्ट के बारे में बताया, तो कहने लगे कि वो आपका अल्ट्रासाउंड गलत हो गया, पूरा नहीं आया, खाली बच्चे बच्चे को हो गया, आज दोबारा होगा। तो मैंने कहा दोबारा करवाओ, तो कहने लगे पैसे जमा करो। तो मैंने कहा भाई किस बात के पैसे, गलती तो आपकी, हम क्यों पैसे जमा करें दोबारा। तो कहने लगे कि ये अपना कहीं दूसरी जगह इलाज करा लो जाके यहाँ। वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के बसंत बिहार इलाके में ईंट से कूचकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बैंक के बाहर खून से लथपथ युवक का शव पड़ा मिला,
वहीं शव के चेहरे पर चोटों के निशान भी मिले हैं। मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक ही नौबस्ता थाना क्षेत्र में वसंत विहार चौकी के अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड आदि से जांच करवाई जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो डेड बॉडी है उसके पास एक पत्थर मिला है, तो उससे संभावना लग रही है कि उसी से वहीं रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शुभम यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शुभम की पत्नी के बहनोई और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 जुलाई को बरछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुभम यादव नाम के एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। वहीं इसके बाद पुलिस ने छानबीन भी शुरू की। एसओजी टीम और बरछरावा पुलिस की कार्रवाई में मृतक शुभम की पत्नी वंदना और उसके परिजन को गिरफ्तार किया गया है। बीते 25 जुलाई को थाना बछरावा में एक शुभम यादव नाम के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। इस सूचना पर तत्काल आयाद दर्ज करके इसको बछरावा द्वारा इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। पूछताछ से मुद्दे मामूल करने से और अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो बात निकल के आई, उसमें पता ये चला कि मृतक का साढ़ू, जिसका नाम नीतू है, और उसका एक दोस्त राम केवल और मृतक की पत्नी वंदना, इन तीनों ने मिलकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।